हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, बूमिंग शेयर स्टॉक में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करने वाले हैं, कंपनी की शुरुआत साल 1981 से हुई थी और कंपनी का मार्केट कैप लगभग देखा जाए तो 48.80 करोड़ की मार्केट कैप है। जी हाँ। और दोस्तों, यह कंपनी फाइनेंस सेक्टर से वास्ता रखती है, अलग अलग तरीके की लोन प्रदान करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये। और शेयर अभी के समय 5.21 रुपये पे ट्रेड कर रही है। जी हाँ। और यह कंपनी के बारे में मार्केट में काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है, लोग अलग अलग तरीके के इसकी टारगेट प्राइस भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कंपनी का फुल एनालिसिस करते हैं। इसकी रिजर्व की बात करेंगे, इसकी सेल्स पर नज़र डालेंगे और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे और इसकी चैट पर नज़र डालेंगे। ए टू जेड क्लियर करके हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और शेयर बाजार से जुड़े अपडेट रेगुलर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ शेयर बाजार से जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में और बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप की। तो इसकी मार्केट कैप जो 48.80 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस को देखा जाए तो 5.21 रुपये चल रही है और इसकी हाई की बात करें तो हाई 6.25 रुपये और 2 रुपये लो इसकी 2.58 रुपये। स्टॉक पी की बात करें तो 70.80 रुपये और बुक वैल्यू इसकी 1.62 रुपये। आर ओ सी पे नज़र डालें तो 7.24% की और आर ओ ई पे नज़र डालें तो 4.62% की। और दोस्तों, इस शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। और सेल्स से पहले देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कर्ज है कि नहीं है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो कह सकते हैं इस कंपनी पर कर्जा कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट कर्जा डेप्ट फ्री है ये। बिल्कुल कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, बिल्कुल हम कह सकते हैं ये कर्ज मुफ्त कंपनी। और देखिए, बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की, तो ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, इसके साथ 8वें नंबर पे ट्रेड कर रही है। जी हाँ, 8वें नंबर पे ये ट्रेड कर रही है, इसके कंपैरिजन में इसके मुकाबले काम कर रही है कंपनी। चलिए बात करते हैं सेल्स की इस कंपनी की। तो सेल्स की देखा जाए तो मार्च 2013 में, जी हाँ, मार्च 2013 में 0.75 करोड़ का ही सेल्स कर रही थी, वही अभी बढ़कर 1.66 करोड़ की सेल्स कर रही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो ओनली 0.68 करोड़ का एक्सपेंसेस है, 0.68 लाख का एक्सपेंसेस है इसका। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 0.91 लाख के प्रॉफिट में चल रही है। जी हाँ। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट इसकी 0.69 लाख के करोड़ में प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। और कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 36% की है। जी हाँ। अब कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डालें तो 3 ईयर में 149% की और 5 ईयर में 10% की है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 104% की है और 3 ईयर में 112% की है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी पे तो लास्ट ईयर 5% और 3 ईयर में 3% और 5 ईयर में 2% का है इसका। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 2012 में इसकी 9.37 की थी, वही अभी बरकरार है, 9.37 बरकरार है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 5.83 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। वहीं देखें कंपनी का उधार कितनी है तो ओनली 0.38 करोड़ का उधार है। तो देखा जाए तो हम इसे कह सकते हैं कर्ज मुफ्त कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और उधार भी कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, 0.38 लाख का ही ओनली उधार है। लाइबिलिटी की बात करें तो 0.25 की लाइबिलिटी है। अगर एसेट देखा जाए कंपनी के ऊपर तो कंपनी एसेट है 15.83 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास। बात करें शेयर होल्डर पैटर्न की तो प्रमोटर के पास, जी हाँ, प्रमोटर का 51.50% की शेयर होल्डिंग है। जी हाँ। अब बाकी बची हुई 48.50% की शेयर होल्डिंग है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है प्रमोटर के पास, लेकिन यहाँ पे FI और DI के पास शेयर होल्डिंग नहीं है, ये थोड़ी सी वीक पॉइंट हो सकती है इसकी। लेकिन देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है कंपनी और प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। और दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड है।
जी हाँ दोस्तों, और ये फाइनेंस सेक्टर से वास्ता रखती है, अलग अलग तरीके की लोन प्रदान करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये। जी हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग तो है जबरदस्त कंपनी के पास, और देखा जाए तो यहाँ पे जो रिजर्व है 5.83 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छी खासी है। ओनली 0.38 करोड़, 0.38 लाख का ही कंपनी के ऊपर कर्ज है, उधार ले रखी है, कर्ज नहीं उधार ले रखी है। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। जी हाँ, और सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है, सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, मार्च 2023 में 1.93 करोड़ की सेल्स कर रही थी, वही अभी अभी जो कर रही है मार्च के बाद 1.66 की। तो इसका सेल्स तो लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, और कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं। तो दोस्तों इस शेयर में काफ़ी बुलिश नजर आई थी। चलिए इसकी चैट पर नज़र डालते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका चैट ओपन कर लिया है, और चैट में हमें वनडे में चैट में क्या देखने को मिल रहा है, तो वनडे में इन्होंने अपने निवेशकों को 1.96% का प्रॉफिट दिया। जी हाँ, 1.96% का। वहीं देखें 5 डेज में, तो 5 डेज में भी निवेशकों को प्रॉफिट हुआ, 7.87% का प्रॉफिट हुआ है। जी हाँ, अगर वहीं देखें हम 1 मंथ का देखते हैं, तो 1 मंथ में निवेशकों को लॉस हुआ, 1.70% का लॉस हुआ है। जी हाँ, 1 मंथ में। अगर हम 6 मंथ का देखें, तो 6 मंथ में इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया अपने निवेशकों को, 43.13% का प्रॉफिट दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 1 ईयर का, तो 1 ईयर में इन्होंने लमसम डबल कर दिया अपने निवेशकों का पैसा, 86.74% का प्रॉफिट दिया है। जी हाँ, जो ये शेयर कभी हुआ करता था, ये शेयर काफ़ी हुआ करता था, 2 रुपये 80 पैसे के उस पर ट्रेड कर रहा था, वही अभी हमें बढ़ते घटते हुए ये अभी हमें 5 रुपये 21 पैसे पे मिल रही है। अगर हम 5 ईयर का चैट ओपन करते हैं, तो 5 ईयर में क्या जबरदस्त तरीके से अपने निवेशकों को प्रॉफिट दिया है। जी हाँ, 942% का प्रॉफिट दिया है। जी हाँ, जो 5 साल पहले ये शेयर ट्रेड कर रही थी ओनली 0.50 पैसे पे। तो दोस्तों जो पैनी स्टॉक होती है ना, काफी अच्छा खासा भारी भरकम रिटर्न भी देता है, लेकिन पैनी स्टॉक रिस्की भी बहुत होती है दोस्तों। तो अगर हम इसका फुल एनालिसिस करते हैं, एक हम देख लेते हैं, तो प्रॉफिट कंपनी का लगातार पॉजिटिव में लग रहा है 2020 में क्वार्टर में। जी हाँ, पॉजिटिव में रह रहा है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर प्रमोटर के अलावा कोई बड़ी क्वालिफाइड इन्वेस्टर होल्डिंग नहीं नजर आ रही है। जी हाँ, प्रमोटर के अलावा FI और DI के पास इसमें शेयर होल्डिंग नहीं है, ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, अब बात करें कंपनी में 51% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर होल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, और बात करें फाइनेंस सेक्टर से, कंपनी फंडामेंटल होल्डिंग काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है ये, क्योंकि इसके पीयर कंपेरिजन की बात करें तो ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के टक्कर में काम कर रही है। तो दोस्तों इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाए निवेश करने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी काफ़ी स्ट्रांग हमें नज़र आ रही है। जी हाँ, काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी काफी जबरदस्त है, और देखा जाए तो यहाँ पे रिजर्व भी कंपनी के पास 5.83 करोड़ के लमसम की रिजर्व है। वहीं देखिए उधार तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी कोई भी कर्जे में नहीं है। वहीं देखिए उधार तो ओनली 30 लाख के लमसम की उधार है कंपनी के ऊपर जो काम चल रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस कंपनी को कर्ज मुक्त। तो कंपनी में आप निवेश की योजना बना सकते हैं, फंडामेंटल हमें कंपनी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, आने वाले समय में आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों निवेश करने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये छोटी पैनी स्टॉक कंपनी है, पैनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन अच्छी खासी बेनिफिट भी कंपनी को मिल जाती है। जी हाँ, जैसे ये 5 साल पहले देखा जाए तो 50 पैसे पर ट्रेड कर रही थी, और अभी हमें 5 साल में ये अभी हमें 5 रुपये 21 पैसे पे ट्रेड करी, तो ये काफ़ी भारी भरकम रिटर्न दिया है दोस्तों। दोस्तों ये जो मैंने जानकारी निकाली न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने निकाली है, सारी चीज़ रिसर्च करने के बाद आप तक मैंने ये जानकारी पेश करने की सोची है वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे और भी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, और दोस्तों मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए ना बेचने के लिए दोस्तों। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूं, तो अगर निवेश करते हैं तो एक बार अपने खुद से रिसर्च जरूर कर लेना, और एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह जरूर लेना दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।